So, दोस्तों देख सकते हैं रांची का मेन रोड का पंडाल, दुर्गा पंडाल दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है जो यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से इस नए ब्लॉग में। सो दोस्तों अभी हम रांची का मेन रोड आ गए हैं और मेन रोड का दोस्तों दशहरा का दुर्गा पंडाल जो है इतना अच्छा है कि आप लोग देखकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं अभी जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है उतना अच्छा यहाँ का मनोकामना बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर गर्ल्स स्कूल छुट्टी हुआ और यहाँ पर सभी लड़कियाँ देखने के लिए पहुँच गए और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गया है। और अभी शाम का समय देख सकते हैं इतना ज़्यादा भीड़ हो गया कि हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना ज़्यादा भीड़ होने वाला है। तो देख सकते हैं हम लोग फाइनली रांची का मेन रोड का जो दुर्गा पंडाल है बहुत ही बेहतरीन तरीका से जो बनाया हुआ है। सो यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए आप लोगों को पूरा अंदर का दृश्य दिखाएंगे। जो दोस्तों ये जो जंगलों में लकड़ी मिलता है, पेड़ का जो टूटा हुआ झाड़ी सबका बनाया हुआ जो ये पंडाल है, चलिए आप लोगों को अंदर का पूरा दृश्य दिखाने का कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो देख सकते हैं जो मछलियाँ हैं ये कुछ मतलब पुआल उवाल का बनाया हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मछली का डिजाइन कुछ इस प्रकार का है और जो मछली का तैरने के लिए रुआ का बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका डिजाइन कुछ इस प्रकार से है। और जो दोस्तों जो देख सकते हैं यहाँ पर जो बांस का बनाया हुआ घर है, सो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो ये है घर, ये बाँस का बनाया हुआ है और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से बनाया हुआ है, पूरा लकड़ी उकड़ी पूरा लगा के यहाँ पर बनाया हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ का पंडाल कुछ जंगल का लकड़ियाँ का बनाया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो जंगल का लकड़ी से बनाया हुआ है, जो इतना अच्छा से डिजाइन किया हुआ है कि इसको दूर से बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो फाइनली हम अंदर की ओर आ गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं अंदर का दृश्य कुछ इस प्रकार का है। चलिए आप लोगों को फ्रंट कैमरा से दिखाते हैं। सो फाइनली दोस्तों अंदर का दृश्य आप लोग को दिखा दिए, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और निकलने के लिए जगह कुछ इस प्रकार से अभी हम निकल रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं। और बाहर का नज़ारा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। दोस्तों देख सकते हैं अभी हम अंदर से बाहर की ओर निकल गए हैं और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बाहर कुछ इस प्रकार का निकलने का जगह बनाया हुआ है और इधर दोस्तों अंदर घुसने का जो जगह है कुछ इस प्रकार का है।